नमस्कार एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 24 विराट का भ्रम। इससे पहले हमने विराट युद्ध देखा जिसमें किस तरह से बृहन्नला या अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को खदेड़ दिया और राजकुमार उत्तर को विजयी बनाकर वे वापस नगर में लौटे। अब आगे त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। पुरवासियों ने मतलब नगर वासियों ने, पुर नगर को कहते हैं और वासियों रहने वाले, तो नगर में रहने वालों ने, नगर वासियों ने राजा विराट का भव्य स्वागत किया, धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें। कंक कौन है? जो राजा विराट के साथ चौसर खेलते हैं, जो स्वयं युधिष्ठिर हैं। उन्होंने राजा विराट को दिलासा दिलाते हुए मतलब हौसला देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, राजकुमार उत्तर की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है और गायें छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। अभिमान मतलब अहंकार। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर, अंतःपुर में मतलब अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने घर के अंदर, महल के अंदर जाकर कहा, सैरेंद्री चौपर की गोटे तो जरा ले आओ। सैरेंद्री कौन है? सैरेंद्री द्रौपदी है जो उनकी दासी की तरह रहती है। उससे राजा ने कहा कि चौपर जो वे खेलते हैं, चेस टाइप का गेम है, उसकी गोटे मतलब उसकी गोलियां जिससे वो खेली जाती हैं, डाइस समझिए, ले आओ, चलो कंक से दो दो हाथ चौपर खेल लें। तो वे कंक के साथ, युधिष्ठिर के साथ चौपर खेलने जा रहे हैं। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बैठे, खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा, विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी यह क्या बृहन्नला बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर या फिर कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है या देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने
पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। कोलाहल मच गया मतलब शोर मच गया, काफी शोरगुल हुआ। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। तरंग वेव को कहते हैं, और तरंगित हो उठा मतलब उनके हृदय में खुशी का लहर चल पड़ा। खुशी का ही नहीं, कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य, इन तीनों का लहर चल पड़ा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया, आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गान सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं कि मैं उसके साथ विवाह करूँ। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और अन्य जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर 24। आगे हम देखेंगे चैप्टर 25। तब तक के लिए बाय बाय।